अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 15। स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप लोगों का मेरी वीडियो नोटिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं, आज शहरों का नाम लिखेंगे। तो लाहौर से स्टार्ट करते हैं। लाहौर, अच्छा लाहौर लिखने का तरीका ये है कि जैसे अलिफ लिखना है ऊपर से भी ब्रीक और नीचे से भी ब्रीक, ठीक है। लाम ऊपर से ब्रीक और नीचे से ब्रीक, ठीक है। फिर अलिफ साथ लगा देना है, फर्स्ट सेकंड। अब हा और वा का साथ मिलाना है, जैसे मद लिखते हैं ना वैसे लिखना है। तो फर्स्ट और इसको नीचे से वाव के साथ, वाव जैसे टच करते हैं, वाव बनाते हैं, उसके साथ ऐसे लिखना है, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया, हा को वा से ऐसे मिला देना है। थर्ड पार्ट, अब वाव मुकम्मल लिख देना है, ये देखो फोर। बिल्कुल सिंपल और स्लोली लिख रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। और रा को ऐसे लिखना है, जब ऊपर से लेके ना थोड़ा सा टेढ़ा लेके आना है और नीचे से थोड़ा सा मोटा कर देना है, इधर से ब्रीक। ये था लाहौर का लिखने का तरीका। ये वर्ड है, ये उसके पार्ट्स हैं ताकि आसानी समझ आ जाए। लाहौर, आगे लिख लेते हैं कराची। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे लाम जैसी बनानी है और उसके साथ रा बनाना है, ठीक है। ये बन चुकी है, इधर से भी मोटा, इधर से भी मोटा, इधर से ब्रीक, इधर यहाँ से ब्रीक और इधर से भी ब्रीक, ठीक है। अब इसको काफ के डंडे के साथ मिलाते हैं, ये देखें कर। ये था फर्स्ट, ये है सेकंड। आगे अलिफ लगा देंगे, ये हो गया थर्ड, ठीक है। और इसके साथ चे, फर्स्ट पार्ट, ये थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फाइव्थ। ये लफ्ज हो चुका है मुकम्मल। तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, आगे फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भी मुकम्मल हो चुका है। अब लिखते हैं आगे इस्लामाबाद। अलिफ सीन, इस्लामाबाद। तो पहले अलिफ जैसे लिखते हैं ब्रीक सा, ऊपर से ब्रीक, नीचे से मोटा, फिर नीचे से ब्रीक, सेंटर से मोटा, ये देखें अलिफ। ये तो ख़त्म कर दी फर्स्ट। अब सीन, ठीक है, सीन ये देखें लाम बना दिए, इसके साथ अलिफ लिख देंगे इस्लाम। आगे मीम, इस्लाम लिखा गया। आगे आबाद, अलिफ के ऊपर मद लगाएंगे, बा को अलिफ से मिलाएंगे। याद रहे बा जब लिखना है तो लाइन से थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा टच करना है इसको, ज़्यादा नहीं बड़ा करना, ठीक है। और दाल, ये मैंने तरीका बताया था लेकिन दोबारा फिर बता देता हूँ। ऊपर से बिल्कुल काट लगाना है गोलाई की मानी, फिर नीचे से इसको
तकरीबन टच करना है और लाइन को खींचना है तो ये दाल बन जाएगी। ठीक है, ये इस्लामाबाद, ये भी लफ्ज़ मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, आगे लिखते हैं क्वेटा। क्वेटा, काफ वाओ, ये था फर्स्ट। जैसे मद बनाते हैं फिर इस तरह बड़ी मद बनानी है। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड। ठीक है, ये ऊपर टे लगा देंगे, क्वेटा बन जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मुकम्मल हो चुका है ये लफ्ज क्वेटा। आगे लिखते हैं, कोई डिफिकल्ट सा नेम जो शहर का नाम हो, तो लिखते हैं इस शहर का नाम लिखें, लिखते हैं जनाब फैसलाबाद। फैसल अब इसके कंपेयर करते हैं, पेज में तब्दील कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो फा, जैसे मात बनाते हैं, ठीक है, इसको साल से मिलाना है, तो फा मद साद को लाम से मिला देना है आगे। आबाद, फैसलाबाद लिखा गया, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, और लेकिन लिखना है, स्लो है इसमें। आप लोगों को जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग जल्दी करेंगे तो इसकी कोई समझ नहीं आएगी ये कैसे लिखा है, और ना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल स्लोली लिखना है ताकि इससे फ़ायदा हासिल हो। ठीक है, और मार्कर को पकड़ने का तरीका मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि 90 एंगल ये देखें, जैसे ठीक है, ये 90 एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, ये 90 एंगल है। तो मार्कर को पकड़ना है जब, तो इतना एंगल लो करना है इस साइड पे, ये ऐसे इतना, ठीक है, इतना एंगल करेंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इससे अबाव नहीं करना। तो ये है मार्कर पकड़ने का तरीका। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इस पर पूरे अमल और तवज्जो करनी है, ताकि यही तो मेन चीज़ है जो आप लोगों को सीखनी है, तो आगे इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।